चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को विक्रम लैंडर के उतरने के बाद उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान अपना काम शुरू कर देगा। वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को आंकड़े भेजने लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो ने इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों की टीम तैयार है। इसरो की कोशिश है कि चंद्रयान 3 के आंकड़ों पर आधारित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी की घोषणा या शोध पत्र का प्रकाशन सबसे पहले एजेंसी के द्वारा ही किया जाए। दरअसल साल 2008 में चंद्रयान के भेजे आंकड़ों की मदद से नासा ने पहले ही घोषणा कर दी थी, इसलिए इसरो इस बार अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहता। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक घूम घूम कर आंकड़े एकत्र करेगा। इसमें लगे दो उपकरणों में से एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा की सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा, जबकि दूसरा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप सतह पर किसी धातु की खोज और उसकी पहचान करेगा। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक दोनों उपकरणों की तकनीक अलग अलग है और काम करीब करीब एक जैसा ही है। ये उपकरण अपने आप ही काम करेंगे और उसके आंकड़े रोवर से सीधे लैंडर विक्रम और फिर प्रोपल्यूशन मॉडल के पास पहुंचेंगे। ये दोनों उपकरण इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। कर्नाटक के बयालालू में स्थित इस प्रयोगशाला में सीधे आंकड़े मिलेंगे और वैज्ञानिक उनका विश्लेषण शुरू कर देंगे। दरअसल साल 2008 में जब चंद्रयान 1 ने आंकड़े भेजने शुरू किए थे तो उसके आधार पर पहली घोषणा नासा ने 24 सितंबर 2009 में की। उसने बताया कि चांद के दक्षिण हिस्से में बर्फ की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। नासा ने यह घोषणा चंद्रयान 1 से भेजे गए अपने उपकरण मून मैपर के आंकड़ों के आधार पर की। बकायदा साइंस जर्नल में इसके बारे में जानकारी प्रकाशित हुई। इसके एक दिन बाद इसरो ने दावा किया कि उसके उपकरण मून इंस्पेक्ट प्रोब के आंकड़ों ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी, लेकिन घोषणा करने में वो चूक गया। लेकिन इस बार इसरो ने कोई विदेशी उपकरण नहीं भेजा है, इसलिए कोई भी नतीजा वो सबसे पहले निकालने की तैयारी में है। चंद्रयान 3 के आंकड़े इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि चांद के जिस दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में प्रज्ञान रोवर उतरेगा वहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। चंद्रयान 1 ने भी दक्षिणी क्षेत्र से ही आंकड़े जुटाए थे। इस क्षेत्र में गहरी खाइयां और ऐसी जगह हैं जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुँचती है, इसलिए नई जानकारी सामने आने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। चंद्रयान 3 के आंकड़े इसरो के पास ही रहेंगे, लेकिन विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ पूर्व में हुए समझौतों के तहत इन्हें साझा भी किया जाता है, जिसके आधार पर दूसरे देशों की एजेंसियां भी इसका विश्लेषण करती हैं। लेकिन इस बार इसरो इस मामले में भी आगे रहने की कोशिश करेगा, इसलिए पहले ही रणनीति तैयार कर चुका है।